सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ लुटेरों ने असलहे की नोक पर बंधक बनाकर एक ई रिक्शा चालक से उसका ई रिक्शा लूट लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के मोहाली संवाददाता सर्वेश मिश्रा के पास। तो सर्वेश जी, बताइए कि क्या पूरा मामला है और जो रिक्शा चालक है उससे कैसे यह लूट हुई? प्रियांशु जी, आपको बता दें, ये राजेश कुमार है, ये मोहाली कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है भिरिया, वहां का निवासी है। इसने अपना खुद का एक रिक्शा खरीदा था, उसको ये चलाता था सवारियों में। कल शाम को 6:30 बजे के आसपास मोहाली में मित्तल मशीनरी स्टोर की एक बड़ी दुकान है, इसका कहना था कि मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, तभी दो लोग इसके पास आए और इससे ये कहा कि हथिया नहर के पास में कोल्हू लादना है और आप क्या ला देंगे। तो इस पर उसने हामी भर दी और 350 रुपए में इसका सौदा पक्का हुआ। रात में जब ये नहर पुल के पास हथिया के पास में जब पहुंचा तो वहां से पहले से दो लोग एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल पे पहले से दो लोग मौजूद थे। इन लोगों ने, उन चारों लोगों ने मिलकर इसके असलाह लगा दिया और असलाह लगाने के पास में सड़क किनारे गन्ने का खेत था, वहां पे हाथ पैर बांध के वहीं पे डाल दिया और उसके कुछ देर बाद, यहाँ पे रोकूंगा आपको, हाथ पैर डालने के बाद ई रिक्शा लूट कर चले गए। उसके कुछ देर बाद जब इसने किसी तरीके से अपने को बंधन मुक्त कराया तो 112 पर सूचना दी। जी प्रियांशु जी, जी ये बताइए कि जो है इसके बाद जो है क्या पुलिस को सूचना दी, कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया गया कि अभी तक नहीं, और तहरीर में क्या दिखाया है? प्रियांशु जी, मामला चूंकि लूट का था तो पुलिस ने कोई हीला हवाली नहीं करते हुए तत्काल रात में ही इमलिया थाने में मुकदमा इसका दर्ज किया गया और आज सुबह एडिशनल SP NP सिंह, मोहाली CO अमन सिंह, भारी पुलिस बल के साथ मोहाली कस्बे में लगभग GT रोड पर जितने भी CCTV कैमरे थे उनमें उनका बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमारी क्षेत्राधिकारी अमन सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई टीमें लगाई गई हैं और मोहाली के और भी लोगों से बातचीत की जा रही है और जितने भी CCTV कैमरे हैं उसमें उनकी सारी रिकॉर्डिंग हमने पेन ड्राइव में सेव की है और गहनता से जांच कर रही है। जल्द ही जैसा भी मामला होगा आप लोगों को बताया जाएगा। जी प्रियांशु जी, सर्वेश जी एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी कोई ऐसी लूट की वारदात हुई है, ई रिक्शा या बाइक की लूट की वारदात कुछ हुई है क्या? नहीं, अभी कुछ साल से तो लूट की घटनाएं तो नहीं हुई है, लेकिन यह है मोटरसाइकिल चोरी वोरी तो होती रही है मोहाली और इमलिया कोतवाली क्षेत्र के आसपास। जी, तो ये सीतापुर के जो है इमलिया सुल्तानपुर की घटना है और ये भिरिया जो है मोहाली कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है गांव, वहां का निवासी राजेश कुमार है। ये ई रिक्शा इसका खुद का था, वो ई रिक्शा चलाता था और सोमवार शाम जो है ये मित्तल मशीनरी स्टोर मोहाली पे खड़ा हुआ था, जहां पर दो लोग आए और इससे कहा कि हथिया नहर के पास कोल्हू लादना है, तो इनकी बात हुई, 350 रुपये किराया तय हुआ और जैसे ही आगे बढ़ा नहर किनारे दो मोटरसाइकिल सवार पहले से खड़े थे, असलहे की नोक पर पहले से बंधक बनाया, गन्ने के खेत में बांध के डाल दिया और इसका ई रिक्शा लूट कर चले गए। इसके बाद जैसे तैसे जो राजेश है ई रिक्शा चालक, उसने अपने को बंधन मुक्त कराते हुए 112 नंबर पुलिस को सूचना दी और इमलिया सुल्तानपुर थाने में लूट का जो है मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है और मंगलवार की सुबह एडिशनल SP NP सिंह, CO मोहाली अमन सिंह और भारी पुलिस बल भी मौके पर गया और जो CCTV फुटेज है वो भी खंगाले और CCTV फुटेज को जो है उसको पेंडाइव में भी सेव कर लिया और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा होगा। वहीं आपको बता दें कि इसके संबंध में जो पीड़ित है जिसका ई रिक्शा की लूट हुई है, राजेश कुमार ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। राजेश नाम है हमारा, भिरिया का रहने वाला हूँ, गुजिया लाइन के स्टेशन रोड पर हम सवारी ले गए, वहाँ सवारी छोड़े आए रह रहा, तब तक ये हमें मित्तल के दुकान पर मिल गए। अब मिले के बाद में यहाँ कहीं हमें कोल्हू लाना है वहाँ से रहे, तो हम कोल्हू हम कह रिक्शा में आ जाइए, कहीं हाथ वहाँ रिक्शे में आ जाएगा, तो हम कहीं 400 रुपया ले वो, तो कहीं 350 ले लो, तो चलो तो 350 पर राजी ही के हम चल दिए। और जब हथिया बाजार हम पहुँचे तो हम कल कहाँ पर लदे गए, तो बोले कि सेमोरा वाली जो रोड है वहीं पर चलो, अब फ़ोन करके पार्टी को बुलाए रहे, वहाँ पर कहीं नहीं मिला हुआ है। तब वहाँ पर जब वे लोग आए हैं बाइक तेरे, बस समय असलाह दिखाई के रोड के साइड लगा कहीं नीचे देखो और गन्दम ले जाए बांध देने तुम्हें चलो, कहीं पट्टी पर गिर के
रक्षा ले गए। रक्षा ले गए। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महाकवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।